देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिवसीय प्रवास पर सपरिवार ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड पहुंचे, जहां डायमंड हॉल में आयोजित महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय कन्वोकेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, महासचिव बीके निर्वैद, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के साथ कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मकुमारी संस्था के लिए ये एक ऐतिहासिक पल रहा, जब खुद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात करने ब्रह्मकुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट न करें। मैं आऊंगा, दादी से मिलने आऊंगा, दादी को सुनने आऊंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि दादी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका सम्मेलन में उल्लेख भी किया गया है। इस पर बहुत काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका उल्लेख भी किया गया। इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के साथ आसुरी प्रहार पूरे देश की आत्मा को झकझोर देता है। संविधान में एक एक्ट है दया याचिका, पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को दया याचिका से वंचित कर देना चाहिए, यह काम संसद का है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती, और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं। एक इस प्रकार के जो कन्विक्स होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है, और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। ये मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान संशोधन। दादी जानकी जी के उद्बोधन को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में सच्चाई, सफाई और सादगी होना जरूरी है। हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, ये सभी समझ जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दादी जी का उद्बोधन सुनने के पश्चात मुझे लगता नहीं है कि शायद उन्होंने जिस विषय की चर्चा की है, जो विषय हमारे सामने रखा गया है, उस पर कुछ बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बहुत बहुत प्रेरणादायक हम सबको एक मंत्र दिया, सच्चाई, सादगी और सफाई। और यदि इस मंत्र का उच्चारण करते करते हम सब लोग अपने जीवन में भी आचरण में भी ढाल लें, तो मुझे लगता है कि शायद विश्व का कल्याण भी होगा, मानवता का कल्याण होगा, और जिस शांति की खोज में हम सब लोग भटक रहे हैं उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो शांति तो आप में अपने आप स्थापित हो जाएगी। अध्यात्म के मार्ग पर चलने की जो सच्ची कसौटी है वो दादी ने जो हमें बताई है कि हम और आप सब में एक ही सृष्टा है, एक ही ईश्वर की हम सब संतान है। जिस दिन ये भाव हम सब में आ जाएगा, उस दिन मैं समझता हूं कि शायद हम अध्यात्म के रास्ते पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की पहली संस्था है। ऐसे महान कार्य के लिए इन महिलाओं को मैं महिला रत्न का सम्मान देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने
आजीवन इंसानों को तराशने का काम किया। आज यहां आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तराशे हुए हजारों महिला रत्न यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूं, महिला रत्न। राष्ट्रपति ने सम्मेलन के दौरान ये भी बताया कि उन्हें टीवी देखने का ज्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वो देखते हैं, जिसकी सराहना करते हुए उन्होंने क्या कहा, आगे सुनते हैं। शिवानी को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने देखा है कि इंसान के सामान्य व्यवहार के दौरान जो मनोभाव उपजता है या पैदा होता है, उस मनोभाव का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने की योग्यता इस बेटी में है। इस सम्मेलन के चलते संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। वहीं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके निर्वैर ने भी महिला सशक्तिकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन विषय को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सबका एक परमात्मा बाप है, पर मैं उसको भगवान भी कहती हूँ, वैसे आत्मा परमात्मा अलग रहे। बोकार सुंदर में जाकर दिया तो सतगुरु मिला दगा। मनुष्य आत्माएं, हम जीव जो भी हैं इस तरह पर इस बात को भूल चुके हैं कि हम सर्व आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं, एक के बच्चे हैं, और उस नाते से हम एक दो का आदर करें, एक दो का प्यार करें और उसके साथ में बच्चों को खास प्यार दें। जब हमारी हर सोच वातावरण का शुद्धिकरण करती है, चाहे हम सेंटर पर हो, सेंटर पर सेवा कर रहे हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, हमारे बोल सिर्फ सत्यों के नहीं, हमारी हर सोच वातावरण को साफ कर रही है। सम्मेलन में महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, संभागीय आयुक्त बीएल कोठारी, आईजी सचिन मित्तल, जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी, पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित देश भर से आए 6000 से अधिक लोग उपस्थित थे।